पहले से भी ज्यादा खूंखार होकर टीम इंडिया में लौटे ईशान किशन। आते ही दिलीप ट्रॉफी में मचा दिए कोहराम, ठोक डाले तूफानी शतक। ईशान किशन के इस भयानक रूप से कांपने वाली है ये तीन खिलाड़ी। इधर ईशान किशन का बल्ला बोल रहा है, उधर तीन खिलाड़ियों का खून खोल रहा है। आते ही बर्बाद कर देगा करियर, पूरी तरह से बदल गया है ईशान किशन। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, और आखिरकार कौन से वो तीन खिलाड़ी जिसने यहाँ पे दोस्तों ईशान किशन से डर रहे हैं, या तीन खिलाड़ी, सब कुछ बताने वाले आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया और ईशान किशन के फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जहां पे भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का चयन इस महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इस बल्लेबाज ने घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी में दोस्तों दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पेश किया है। जी हाँ, टीम इंडिया सी के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने दोस्तों टीम इंडिया बी के खिलाफ शतक जड़ा और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इंडिया सी ने दोस्तों ईशान के 111 रन और बाबा इंद्रजीत के 78 रनों की पारी के दम पर पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 5 विकेट खोकर 357 रन बनाए, और दिन का खेल समाप्त होने के बाद यहां पे गायकवाड़ ने 40, और यहां पे दोस्तों इसके साथ साथ ईशान की एक बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। और इसके बाद भी दोस्तों ईशान किशन को यहाँ पे टीम इंडिया ने अभी तक मौका नहीं दिया है। लेकिन अब दोस्तों अब ऐसे में जहां एक तरफ ईशान का बल्ला यहां पे बोल रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों टीम इंडिया के इन तीन खिलाड़ियों का खून खोल रहा है। तो आइए जानते हैं वो कौन से तीन खिलाड़ी हैं। बात करते हैं दोस्तों अगर पहले खिलाड़ी की, तो कोई और नहीं बल्कि वो है दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं कि केएल राहुल। हालांकि दोस्तों यहां पे बांग्लादेश के खिलाफ इनको टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका ही मिला है, और हो सकता है कि प्लेइंग 11 में भी खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों ईशान किशन फिर से अपनी फॉर्म में आए हैं काफी समय बाद। यहां पे दोस्तों साउथ अफ्रीका के बाद उनको टीम में मौका नहीं मिला है, और इसके बाद अब जब उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन पेश कर रहे हैं, और ऐसे में जब उनको टीम इंडिया में मौका मिलेगा, तो हो सकता है वो यहाँ पे दोस्तों केएल राहुल का पत्ता काट सकते हैं टीम इंडिया से, जो कि दोस्तों कह सकते हैं कि केएल राहुल को अब यहाँ पे सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन पेश करना होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले दूसरे खिलाड़ी की, तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे दोस्तों ऋषभ पंत हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन पेश किया था बल्लेबाजी से और साथ ही साथ अपने विकेट कीपिंग से, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों अब इनको यहाँ पे डर के रहना पड़ेगा ईशान किशन के आगे। यूं कहें कि दोस्तों झुक के रहना पड़ेगा ईशान किशन के आगे, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन का शानदार परफॉर्मेंस और शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाजी अब यहाँ पे ऋषभ पंत के लिए कह सकते हैं कि खतरा बन सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगले खिलाड़ी की, तो वो एक और नहीं बल्कि दोस्तों आपको बताएं कि ध्रुव जुरेल है। ध्रुव जुरेल का करियर यूं कहें कि दोस्तों अभी टीम इंडिया में जल्द ही स्टार्ट हुआ है, और ऐसे में इसके बाद भी अगर ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन रहा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ध्रुव जुरेल का भी पत्ता टीम इंडिया से कट सकता है। तो आपका इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को टीम इंडिया में जल्दी मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।